हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एमडीएन स्कूल क्लायर। एज यू नो, वी आर ऑन सेवन लेसन ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ इलेवेंथ क्लास। आज हम इलेवेंथ क्लास का पब्लिक हेल्थ का सेवन लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं नगर पालिका। आज हम इस लेसन में जो स्थानीय प्रशासन है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति एवं नगर पालिका के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ेंगे। जो सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, शासन प्रणाली माना गया है। मतलब जितने भी जो शासन व्यवस्थाओं के अंदर जो लोकतंत्र को क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना गया है, क्योंकि इसमें सत्ता व शक्ति लोगों में निहित होती है। मतलब क्या है, जो सत्ता है लोकतंत्र के अंदर, जो शक्ति है इसके अंदर, जो लोगों की भागीदारी होती है, ऐसे शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। कौन सी शासन व्यवस्था में, लोकतंत्र शासन प्रणाली में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसको विकेंद्रित नहीं किया जाए। मतलब क्या है, जब तक लोकतंत्र के अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो अधिकार हैं, उसका विकेंद्रीकरण नहीं किया जाए, तब तक क्या है, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और जो स्थानीय स्तर के लोगों को अपनी समस्याओं का को स्वयं सुधारने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब भी क्या है, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, जो स्थानीय स्तर पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुधारने का क्या है, जो स्थानीय लोग हैं उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। वास्तव में सच्चा लोकतंत्र स्थानीय स्तर पर ही निवास करता है, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर जो बैठे हुए नेता हैं, अधिकारी हैं, वो स्थानीय स्तर, उनको क्या है, जो स्थानीय स्तर की समस्या है उनका ज्ञान नहीं होता। किसको, जो केंद्रीय स्तर पर जो नेता हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको क्या, जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, मतलब क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता। इसलिए क्या, जो स्थानीय शासन को विकेंद्रित प्रजातंत्र के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। मतलब क्या है, जो शासन लोकतंत्र के अंदर जो क्या है, जो शक्तियाँ उसका विकेंद्रीकरण करना, और जिसका अर्थ होता है स्थानीय स्तर के लोगों द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोगों द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार से है, तो यही क्या है, एक लोकतंत्र का मुख्य आधार है। और इसके अंदर इस प्रकार की प्रणाली के लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी इच्छा से क्या है, प्रशासन में भाग लेते हैं। मतलब कहने का आता है, जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है इसमें लोग क्या है, प्रत्यक्ष रूप से अपनी इच्छा के अनुसार क्या है, इस प्रशासन में भाग लेते हैं। और स्थानीय शासन पर प्रकाश डालते हुए जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है। मतलब कहने का आता है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो स्थानीय शासन क्या है वो एक लोकतंत्र की क्या है, सच्ची पद्धति का आधार है और होना भी चाहिए। हम नीचे के स्तर पर लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं सोचते। मतलब जो नीचे का स्तर कौन सा, जो स्थानीय शासन है उसके बारे में क्या है, हम कुछ नहीं सोचते, किसके, लोकतंत्र के बारे में। और लोकतंत्र ऊपरी स्तर पर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसका निर्माण स्थानीय स्वशासन के आधार पर नहीं किया जाता। मतलब कहने का अर्थ है, भी जो लोकतंत्र क्या है तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसका निर्माण क्या है, स्थानीय शासन पर भी क्या है, नहीं किया जा सकता। मतलब स्थानीय शासन पर भी लोकतंत्र का नियंत्रण होना चाहिए। अब हम क्या है, जो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है उसके विषय में पढ़ेंगे। स्वशासन का अर्थ, जो स्थानीय स्वशासन का अर्थ है, सबसे पहले हम इसमें क्या है, उत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पर,
भारत में स्थानीय शासन का है, स्थानीय शासन कहलाता है। इस पद की उत्पत्ति उसमें हुई थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। कहने का अर्थ है उत्पत्ति के आधार पर स्थानीय शासन का अर्थ। भारत में स्थानीय शासन प्राय क्या है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। मतलब जो स्थानीय शासन क्या है, मतलब स्थानीय जो शासन है वो प्राय क्या? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और जो इस पद की उत्पत्ति कब हुई थी? इस पद की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। मतलब कहने का अर्थ है जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश शासन का हमारे देश पर नियंत्रण था, तब क्या स्थानीय शासन के शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और जनता को केंद्रीय अथवा प्रांतीय किसी भी स्तर पर सब शासन उपलब्ध नहीं था। मतलब जनता को क्या है, केंद्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी भी स्तर पर कोई शासन उपलब्ध नहीं था। किसको? जनता को। और जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्थानीय शासन से संबंध करने का निर्णय लिया तो उसका अभिप्राय जनता को कुछ अंशों में सब शासन प्रदान करना था। मतलब कहने का अर्थ है जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन के संबंध में कुछ निर्णय लिया तो मतलब किसका, मतलब जो स्थानीय शासन से मतलब जनता के संबंध के बारे में ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया तो उसका अभिप्राय क्या था? जनता को मतलब कुछ अंशों में मतलब जो स्वशासन है, जो स्थानीय शासन है वो प्रदान करना था। किंतु आज देश में केंद्रीय और राजकीय दोनों स्तरों पर स्वशासन की स्थापना हो चुकी है। कहने का अर्थ है आज हमारे भारतीय देश में क्या है, जो केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों स्तर पर क्या है, स्वशासन की स्थापना हो चुकी है। इसलिए स्थानीय स्वशासन शब्द का महत्व लुप्त हो गया। मतलब क्या है, जो स्थानीय शासन का जो महत्व है वो क्या है, लुप्त हो गया। किसके कारण? केंद्र स्तर और राज्य स्तर के कारण इन दोनों शासनों की जो स्थापना हो गई है उसके कारण क्या है, जो स्थानीय स्वशासन का शब्द क्या, जो स्थानीय शासन शब्द का जो महत्व है ना, महत्व लुप्त हो गया है। और भारतीय संविधान में भी स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का था जो भारतीय संविधान है, जब हमारा संविधान लिखा गया था उसमें, उस संविधान में क्या क्या है, जो स्थानीय शासन के शब्द का भी प्रयोग किया गया था। मतलब किसमें? हमारे भारतीय संविधान में। ये तो हमने क्या था, उत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ है उसके विषय में पढ़ा। अब हम शाब्दिक दृष्टि के अर्थ के विषय में पढ़ेंगे स्थानीय शासन का। शाब्दिक दृष्टि से अर्थ जब लोग किसी स्थान
विशेष पर मिलकर रहने लगते हैं। तो उसका रहने लगते हैं तो एक समुदाय बन जाता है। ऐसे समुदाय के लोगों को स्थानीय लोग कहा जाता है। कहने का अर्थ है भाई जो स्थानीय सब शासनकार जो शाब्दिक दृष्टि से अर्थ है जब लोग किसी स्थान पर किसी स्थान विशेष पर मतलब जब लोग किसी विशेष स्थान पर मिलकर रहने लगते हैं तो वो क्या है एक समुदाय बन जाता है। और जो ये समुदाय बन जाता है ऐसे समुदाय के लोगों को क्या है स्थानीय लोग कहा जाता है। और जो सामुदायिक जीवन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निपटारा स्वयं करते हैं मतलब कहने का अर्थ है जो सामुदायिक जीवन के फलस्वरूप जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान खुद क्या है जो स्थानीय लोग हैं वो खुद करते हैं मतलब स्वयं करते हैं। जो उनकी अपनी समस्याएं हैं जो स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का जो निपटारा है स्वयं करते हैं और राज्य की ओर से उन्हें अपने विकास के समुचित अवसर प्रदान किए जाते हैं मतलब राज्य की ओर से उन्हें क्या है अपने विकास के लिए जो समुचित अवसर हैं वो राज्य की ओर से क्या अवसर प्रदान किए जाते हैं। अतः स्थानीय लोगों के अपने कार्य क्या है स्वयं है और जो लोगों के मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय लोगों के अपने कार्य स्वयं संपन्न करने की शक्ति प्रदान करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय लोगों को अपने कार्य स्वयं संपन्न करना यानी अपने कार्य स्वयं पूरे करना मतलब कार्य करते समय जो समस्या है मतलब उस स्थानीय क्षेत्र पर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना स्वयं अपने कार्य पूरा करना तो क्या है इस ऐसी शक्ति को क्या है स्थानीय शासन कहलाता है मतलब जो ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला क्या है स्थानीय शासन कहलाता है। अतः स्थानीय शासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंदर जो अपने कार्य को स्वयं पूरा करते हैं उन कार्यों को पूरा करने वाली जो क्या जो शक्ति है वो स्थानीय शासन कहलाता है। और इसके अंदर जो है वो मतलब जिसमें जो स्थानीय क्षेत्रों का क्या है शासन संचालन वहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है मतलब जो स्थानीय शासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंदर जो स्थानीय क्षेत्रों का मतलब जो शासन का जो संचालन कौन करते हैं जो उस क्षेत्र के जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वही उन क्षेत्रों का शासन संचालन करते हैं। यह स्थान और स्थानीय स्तर पर लोग भिन्न भिन्न संस्थाओं का निर्माण करते हैं मतलब कहने का अर्थ जो स्थानीय स्तर पर लोग क्या है भिन्न भिन्न संस्थाओं का निर्माण करते हैं जैसे जो गांव कस्बों शहरों तथा नगरों में कार्यकर्त होती है
और हमारे देश में जो पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ इन संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। जो पंचायतें हैं वो गांव में, शहरों और कस्बों में क्या है, जो नगर पालिकाओं की संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय शासन की परिभाषा देते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं और जो इस प्रकार हैं, मतलब क्या है, हमने ये तो जो स्थानीय स्वशासन के उत्पत्ति के आधार पर और शाब्दिक दृष्टि के आधार पर जो स्थानीय शासन का अर्थ है वो जाना, और मतलब इसके अंदर क्या है जो शाब्दिक दृष्टि के अर्थ के अंदर जो मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हैं और स्वयं अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, और इसके अंदर जो क्या जो स्थानीय लोगों द्वारा जो स्थानीय समस्याओं का जो समाधान जो प्रयास किया गया है उसके अंदर क्या है, मतलब जो प्रतिनिधि जो चुने गए हैं वो ही क्या है उस क्षेत्र का शासन जो शासन संचालन करते हैं। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम क्या है इसके बारे में जो हमारी स्थानीय शासन की जो परिभाषा है उसके विषय में पढ़ेंगे। मतलब हम क्या है स्थानीय जो शासन की परिभाषा है उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे राइटर हैं एल गोल्डिंग, एल गोल्डिंग के अनुसार जो स्थानीय शासन को जो हमारा स्थानीय शासन है कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, मतलब कई प्रकार से परिभाषित किया गया है, परंतु इसकी सबसे सरल परिभाषा यही है कि यह एक स्थान के लोगों द्वारा उनके अपने मामलों को स्वयं ही प्रबंध करता है। मतलब कहने का अर्थ है जो स्थानीय जो शासन की मतलब कई प्रकार से परिभाषित किया गया किसको, स्थानीय शासन को, जो एल गोल्डिंग के अनुसार है जो इसकी सबसे आसान और सरल परिभाषा है कि एक स्थान के लोग मतलब जो एक स्थान के लोग एक किसी विशेष स्थान पर जाकर रहते हैं एक समुदाय के अनुसार, और जो उनके अपने मामलों को जो उनकी समस्या है उनका क्या उन समस्या का स्वयं क्या है समस्या को निवारण करते हैं स्वयं, और स्वयं क्या है उन मामलों का क्या है स्वयं ही प्रबंध करते हैं, किसके अनुसार, एल गोल्डिंग के अनुसार। मतलब स्थानीय स्वशासन के अंदर जो क्या है एक स्थान के लोग हैं और वो अपने मामलों का क्या है स्वयं ही प्रबंध करते हैं, मतलब कोई भी कार्य है मतलब स्वयं संपन्न करना, कोई समस्या आती है स्वयं क्या उस समस्या का निवारण करना। अब हमारे जो सेकंड राइटर हैं डॉक्टर आसिर स्थानीय स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हुए स्थानीय शासन क्या है केंद्रीय सरकार या संघ राज्यों में सरकारों के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई है। मतलब कहने का अर्थ है भाई जो स्थानीय शासन के द्वारा जो केंद्रीय सरकार है और या संघ राज्यों में राज्य सरकारों के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई है जिसमें नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने अधिकारों के द्वारा लोग यानी जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अब हमारा थर्ड है श्री वेंकट राव जी, वेंकट राव
हमने क्या था जो ईद पढ़ा आसी वर्धन के अनुसार से, और उसके अनुसार क्या जो डॉक्टर आसी वर्धन के अनुसार से हम क्या है भी वेंकट राव के अनुसार पढ़ेंगे। स्थानीय सरकार राज्य सरकार का वह भाग है जो मुख्यतः स्थानीय विषयों के संबंध रखती है, मतलब जो स्थानीय सरकार क्या है राज्य सरकार का वह भाग है हिस्सा है जो स्थानीय विषयों से क्या है संबंध रखती है तथा उसकी शासन करने वाली सत्ता, मतलब जो स्थानीय शासन पर जो सत्ता करने वाली किसके राज्य के अधीन रहती है लेकिन उसके चुनाव राज्य की सत्ता के नियंत्रण की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से योग्य निवासियों द्वारा किए जाते हैं। मतलब कहने का आता है जो स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव है वो मतलब राज्य की सत्ता के नियंत्रण की अपेक्षा मतलब किसके एक स्वतंत्र रूप से योग्य निवासियों द्वारा स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।